बारह बरस लो कुकर जीवे, तेरह बरस लो जीएस यार, बरस 18 छत्री जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं संग्राम सिंह यादव सबसे पहले बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे वीर योद्धा वीर अहीर आला जी की आज जयंती है। तो सबसे पहले मैं ऐसे वीरों को सबसे पहले बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बनाफर अहीर, यहाँ पर जो अहीर लिखा हुआ है, इसे लिखने में हमें भी थोड़ा इसे दुख हुआ कि आज हम अपने वीर योद्धाओं को जातियों में बांट रहे हैं। लेकिन जाति का लिखने का भी यहाँ पर एक कारण है। कहते हैं कि भाई इतिहास को तो जंगे मैदान बनाए जाते हैं, लेकिन आज के समय में कुछ इतिहास चोर आज इतिहास को चोरी कर ही बनाना चाहते हैं, और ऐसे लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इतिहास को चोरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं ये चीज सबको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश एक वीरों की धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं, हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं और हर एक जाति का एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। हर एक जाति में बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा हुए हैं, चाहे आप गुर्जरों में गुर्जर सम्राट राजा मेहरभोज, या जाटों में महाराजा सूरजमल जाट, राजपूतों में वीर योद्धा महाराणा प्रताप, और भी हर एक जाति का एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है कि हर एक जाति के वीरों के बारे में बता सकूं, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि भाई जहां पर हम एक भाईचारे का संदेश देते हैं, आपसी भाईचारे का, वहीं जब हम एक दूसरे के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वहां पर वो भाईचारा खत्म हो जाता है। और वही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हमारे स्वाभिमान है, और जो हमारे स्वाभिमान के साथ कोई हमारे छेड़छाड़ करेगा तो फिर वहां पर शांत बैठना असंभव हो जाता है। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि हम हर एक जाति के, वैसे तो जो हमारे योद्धा होते हैं वह जाति के से परे हो जाते हैं, उन्हें किसी में जाति में हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आज हर एक जाति में जो योद्धा है, मैं उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और मैं फिर से बता दूं कि आज वीर योद्धा वीर अहीर आला जी की जयंती है, और इनको मैं अहीर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग इनको अपनी जाति का बनाने के लिए एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी, ये मुझे पता है। क्योंकि कहते हैं कि देखो, सच सामने आ ही जाता है। पहले भी चाहे राजा सम्राट मेहरभोज हों, गुर्जर सम्राट मेहरभोज हों, या फिर महाराजा सूरजमल जाट हों, पहले भी उन्होंने ऐसी नाकाम कोशिशें की इनको अपना बनाने की, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और मैं यही कहूँगा कि साथियों, भाईचारा ऐसे ही बना रहे। अगर आप किसी भी जाति के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो भाई, आज हम जिसे हम कहते हैं कि आज हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाना है, वहीं हम आपसी इतिहास से जब छेड़छाड़ करते हैं तो आपसी जाति में एक जो हमारा भाईचारा होता है वह समाप्त होता है। लेकिन यह जो लोग करते हैं वह क्या होते, बेवकूफ लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उन्हें पता है कि कौन से योद्धा किस जाति के हैं। खैर, मैं फिर से बता दूं, योद्धा किसी जाति का नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक कुल में जन्म लेता है तो इतना सभी को पता होता है। लेकिन भाइयों, मैं आखिरी बार यही कहूंगा कि किसी भी जाति के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करें, और हम भी भाई भाईचारे को आगे रखते हुए आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं। फिर बकाया भाई, हम भी एक अहीर जाति से हैं, यदवंशी कौम में जन्मे हैं, और कहते हैं यादव जी का लट कलेक्टर। जब तुम हमारे इतिहास को चुराना जानते हो तो हम भी लट बजाना जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होगी तो हमें भी अपने लट को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने इतिहास को, हमारे वीर योद्धाओं ने जिस इतिहास को रचा है, तो हम उस इतिहास को बचाना भी जानते हैं। बस मैं इसी के साथ बस इतना ही बोलूंगा, इतनी ही हमारी कहना है कि भाई भाईचारे को आगे रखें, नहीं तो फिर घरों में हर एक कोने पे हमारे लट टिके होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बंसी वाले की जय।